बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बख़ैर वाफियत होंगे। तो आज हम कुछ पैटर्न्स बनाना सीखेंगे, जिसमें मैं आपको मेहंदी को होल्ड करने का तरीका भी बताऊंगी कि पैटर्न्स बनाने के लिए मेहंदी को होल्ड कैसे करना है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने इसको बिल्कुल सीधा रखा है, पेंसिल की तरह से नहीं पकड़ा। पहले 2.5 से 3 इंच का जो स्टार्ट का कोन मेहंदी का हिस्सा है, इसको जो आपकी उंगलियों के अंदर आपकी ग्रिप में होता है, इसको आपने सीधा रखना है, पेंसिल की तरह से नहीं पकड़ना है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेहंदी के पॉइंट को गौर से देखिएगा, बेस के साथ रगड़ नहीं खा रहा और बिल्कुल एक फ्लो में एक लाइन लग रही है इस तरह से। पत्ती बनाने के लिए सबसे पहले हमने थोड़े से हिस्से को छोड़ते हुए ज़्यादा अंगूठे को प्रेस करना है ताकि ज़्यादा मिकदार में मेहंदी निकले। फिर जब आपने पॉइंट की तरफ जाना है तो आपने प्रेशर को कम कर देना है, बल्कि ना होने के बराबर, और जो आपने ज़्यादा अंगूठा प्रेस करके एक डॉट की तरह से बनाया हुआ होगा, उसको उसके अंदर से ही मेहंदी को आपने थोड़ा ऊपर की तरफ खींचना है, और इस तरह से आपकी छोटी पत्तियां बन जाएंगी। इस तरीके से प्रैक्टिस करके देखिएगा, इंशाल्लाह आप लाजमी बना लेंगी। ये देखिए, छोटी सी लाइन लगाई, अंगूठे को ज़्यादा प्रेस किया ताकि पॉइंट से मेहंदी ज़्यादा निकले, फिर उसको ही आगे की तरफ तीखा कर दिया। सेम इसी तरह मैंने ये तमाम का तमाम हिस्सा बनाया है। सेकंड नंबर पर सेम वही लाइन, मेहंदी का पॉइंट ऊंचा रहेगा। यूँ महसूस होता है जैसे कि मेहंदी आपकी जो कोन के पॉइंट के पीछे पीछे चल रही है इस तरह से। ये देखिए अभी, और ये जब आपने स्टार्ट करना है तो आपका जो अंगूठे का प्रेशर होगा बहुत लाइट होगा। जैसे ही आप पत्ती के सेंटर में आएंगी तो ज़्यादा प्रेशर होगा, दोबारा से पॉइंट की तरफ जाते हुए आपकी आपके अंगूठे का प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये देखें, ये जो पत्ती की दोनों साइड बन रही हैं वो सेंटर से मोटी है, ना ही वो स्टार्ट से मोटी है और ना ही ऊपर के पॉइंट से, दोनों साइड है। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी हमारा बनकर मुकम्मल हो गया इस तरह से। देखिए, इस तरह से लाइन लगाई और यूँ सेंटर में प्रेशर ज़्यादा कर लिया, और फिर स्टार्ट और एंड के पॉइंट पे प्रेशर को कम करते हुए इस तरह से इसको तीखा बना लिया। कर्व बनाएंगे, टीयर ड्रॉप बनाएंगे, छोटी लाइन लगाएंगे, उसके ऊपर एक डॉट। ये हो गया एक स्टेप, कर्व बना के टीयर ड्रॉप बनाया, उसके बाद लाइन लगा के उसके ऊपर एक छोटा सा डॉट बनाया इस तरह से। यो इस तरह सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड पे भी यूँ। पूरे के पूरे कर्व में हमारे अंगूठे का जो प्रेशर है वह बिल्कुल लाइट रहेगा ताकि लाइन की सूरत में कर्व बने। जब हम टीयर ड्रॉप बनाएंगे, ये देखिए, तो स्टार्ट में ऊपर से प्रेशर ज़्यादा होगा और नीचे जाके वो कम हो जाएगा इस तरह से। अब देखिएगा इसको, ये डॉट, और फिर इसको थोड़ा सा लंबा करते हुए इसको टीयर ड्रॉप की शेप देनी है। देखिए इस तरह से डॉट, मेरा मेहंदी का पॉइंट देख लें, मेरी फिंगर्स के अंदर बिल्कुल ऊपर सीधा है। मैंने पेंसिल की तरह से इसको नहीं पकड़ा हुआ कि ये बिल्कुल लेटा लेटा सा पॉइंट हो, बिल्कुल सीधा मैंने उसको स्टैंड ऊपर की तरफ खड़ा किया हुआ है इस तरह से। यो ये मैं वही शीट इस्तेमाल कर रही हूँ जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताई थी कि आपने लैमिनेशन करवा लेनी है चार्ट पेपर के ऊपर, पेंसिल के साथ इस तरह से ब्लॉक्स बनाकर और फिर इसको लैमिनेशन करवा लें, और ये वॉशेबल होती है, आप इसको दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। आप देखें, जब मैंने पत्ती को स्टार्ट किया, मैंने खूब सारा प्रेशर दिया, और इस तरह से आप जितनी मोटी चाहें उतनी मोटी पत्ती बना सकती हैं। इस ये जो हम आज स्टेप्स बना रहे हैं, इसमें दो चीज़ों का आपने मद्देनज़र रखना है, एक आपके हाथ का फ्लो कि आपके हाथ की जो मूवमेंट है वो, और सेकंड आपके अंगूठे का प्रेशर। आप अपने हाथ को चला रही हैं, मूव कर रही हैं, और आपके अंगूठे का प्रेशर कितना है,
स्टार्ट से कितना है, सेंटर से कितना है, ऊपर के पॉइंट से जाके कितना है, उसको आपने लूज़ करना है, अपने अंगूठे को छोड़ना है, कम प्रेस करना है। ये चीज़ें अगर आपने याद कर ली तो आपको मेहंदी का आर्ट बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। ये देखे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए पहले हम इसकी लाइनिंग करेंगे पत्तियों की। जो मंडेला डिज़ाइंस हैं, ये लोटस फ्लावर्स के डिज़ाइंस हैं, उसके अंदर ये पत्तियां बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं, तो सोचा ये आप आज की क्लास में शामिल कर लूँ। आपने जो पहले आउटलाइन बनाई हुई होगी उसके साथ मेहंदी का पॉइंट रखना है और इसको थोड़ा सा थिक करना है। ये देखें एक खूबसूरत सा लुक बनकर अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हो गया। और ये इस तरह से अरेबिक मेहंदी में ये जो बड़े साइज़ की पत्तियां हैं ये इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा आप इन पत्तियों को शेडेड फ्लावर्स के साथ भी अटैच करके एक डिज़ाइन बना सकते हैं, जो कि आगे इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में जब हम डिज़ाइंस बनाएंगे तो मैं इन पत्तियों का इस्तेमाल आपको बताऊँगी। तो इनको अभी क्लास में शामिल करने का मकसद ये है कि आपको इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। ये देखें मैंने पहले बिल्कुल हल्की सी आउटलाइन की, जब मैंने अंदर का काम वो लाइंस का और शेडेड शेड देने का काम मैंने मुकम्मल कर लिया तो मैंने उसकी जो आउटलाइन है उसको दोबारा से उसकी असल पोजीशन में लाने के लिए दोबारा से एक मरतबा उसके ऊपर कोन मेहंदी से अप्लाई कर दिया। अब हम टीयर ड्रॉप्स बनाएंगे, ऊपर से ज़्यादा प्रेशर देते हुए नीचे की तरफ इसका प्रेशर को लाइट कर देना है कोन मेहंदी को, और इस तरह से नीचे से बारीक और ऊपर से थोड़ा सा मोटा। फिर से याद करवा दूं, आपके हाथ का प्रेशर, सॉरी आपके अंगूठे का प्रेशर और आपके हाथ की मूवमेंट। ये देखिए एक बत्ती को बनाने के दो तरीके हैं। इस तरह से आप इसकी आउटलाइन करके इसके अंदर फिलिंग कर सकते हैं। फिलिंग करने के लिए वही तरीका कार है कि आपने आउटलाइन की है तो उसके अंदर मेहंदी के पॉइंट को ऊंचा रखते हुए अंगूठे को ज़्यादा प्रेशर देना है और इसकी फिलिंग कर देनी है। मेहंदी को कोन मेहंदी को बेस के साथ रगड़ना नहीं है। आई होप सो कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।